सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम भिन्न भिन्न चर्चाएं करते हैं, कभी ज्योतिष की बात करते हैं, कभी वास्तु की बात करते हैं, तो कभी न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है न्यूमरोलॉजी, और उस विषय से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट नितिन गुप्ता जी। आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, आप हमें अंकों के विषय में आप हमें बता रहे हैं। आज जिस अंक के विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी, वो है 13 अंक। कई लोग कहते हैं बहुत अनलकी अंक है, यहाँ तक कि अगर हम लिफ्ट्स वगैरह में भी जाएं तो कई ऐसी लिफ्ट्स हैं जिसमें 13 अंक होगा तय नहीं है, तो विशेषता क्या कारण है आप हमें बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मौलिका जी आपने। आपने तो सिर्फ लिफ्ट की बात की है, बहुत सारे होटल्स में हमें 13 नंबर का फ्लोर नहीं मिलता है, और दिल्ली के पास नोएडा में तो 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं है जैसा कि मुझे बताया गया। तो ये एक मैं कहूँगा कि कॉमन मिसकंसेप्शन है और एक इस तरह की एक गलत फहमी है जो फैल गई है और लोग बिना सोचे समझे उसको उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 13 नंबर अशुभ है, हर एक के लिए नुकसानदायक है और 13 से हमेशा बचना चाहिए। रिसेंटली हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया कि 13 अगर अशुभ है तो 31 अशुभ क्यों नहीं है, जो लोग 31 तारीख को पैदा हुए फिर उनको भी अशुभ डेट होनी चाहिए क्या? तो हमारी जो ओंकार थ्योरी ऑफ न्यूमरोलॉजी है, ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स है, और वो भी वेरीफाई करती है, और हमारे जो अलग रिसर्च वर्क है न्यूमरो ग्रिड है उसके हिसाब से भी देखें तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप कहें कि 13 नंबर अशुभ है, 13 नंबर वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। 13 का टोटल 4 बनता है, 13 का नंबर हम निकालें, 13 हो या 31 हो 4 बनता है। और मैं आप इसको चेक कीजिएगा, संसार भर में पूरे विश्व में जितने भी टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, कहीं भी हो, 4 नंबर की वाइब्रेशन उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट करती है, चाहे वो बर्थ नंबर्स के आधार पे हो, चाहे वो दूसरे नंबर्स के आधार पे हो, पर 4 नंबर की वाइब्रेशन अगर उनको सपोर्ट करती है तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मली सक्सेसफुल हो जाते हैं। नॉर्मल सक्सेसफुल से एबनॉर्मल सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो एबनॉर्मेलिटी देता है 13, 4 जो है एबनॉर्मेलिटी देता है, लेकिन वो एबनॉर्मेलिटी आपको पॉजिटिव सेंस में दे रहा है कि नेगेटिव सेंस में दे रहा है? तो जिन लोगों को और हमेशा नेगेटिव देगा ऐसा हरगिज नहीं है, हमेशा पॉजिटिव देगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये तो फिर सारे नंबर्स के विषय में है, सारे के सारे नंबर। आप ये नहीं कह सकते कि 3 नंबर लकी ही होता है और हर एक के लिए लकी होता है। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी है जहाँ पे लोगों ने स्टैंडर्डाइज एट्रीब्यूट असाइन करे हैं नंबर्स को, कि मान लीजिए गाड़ी लेनी है तो वो कहते हैं 6 नंबर की गाड़ी ही लेनी चाहिए तो शुभ है, क्योंकि वो वीनस का नंबर है, लग्जरी देता है। जी, बच्चे की पढ़ाई की बात करते हैं तो कहते हैं 5 नंबर लकी है स्टडीज के लिए, 3 नंबर लकी है, तो उनसे रिलेटेड रेमेडीज बच्चों को एडवाइस कर देते हैं, भले उसके बाद वो पढ़ाई चौपट हो जाए। बिल्कुल, पर कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करना उचित नहीं है। और न्यूमरोलॉजी ने किसी भी ऑकल्ट साइंस में, किसी भी फील्ड में, आप एब्सोल्यूट होके नहीं चल सकते, आपको एक रिलेटिविटी का कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो 4 नंबर के विषय में भी, 13 नंबर के विषय में भी, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, डिटेल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एनालिसिस के आधार पर ही ये पता लग सकता है कि वो नंबर आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। या आप सिंपली अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स को उठा लीजिए, आप पिछले 10-20 साल में, अगर आपकी उम्र 30, 30, 35, 40 की रेंज में मिनिमम है, तो लाइफ में आप इतनी लाइफ हो चुकी है कि आप पीछे मुड़ के 10-15-20 साल में देखिए कि आपके लिए क्या इवेंट्स बेनिफिशियल रहे, कब आपने डिग्री ली, कब आपको जॉब मिली, या कब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किस किस दिन आपको पेमेंट आई, ऑर्डर आए, किस दिन आपकी विश फुलफिलमेंट हुई, आपकी इच्छा थी, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा थी और वो आपकी फुलफिल हो गई, किस दिन बच्चों का जन्म हुआ, किस दिन कोई बेनिफिशियल इवेंट हुआ, आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, अगर आप वो डेट्स का लिस्ट भी निकाल लें और उन डेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स आप निकालें, जैसे बर्थ नंबर निकालते हैं डेट का टोटल करके डिजिट्स का,
तो आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में नंबर्स कौन कौन से आपके लिए फेवरेबल इवेंट्स में कौन से नंबर आ रहे थे और अनफेवरेबल में कौन से नंबर्स आ रहे थे। नितिन जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो 13 या फिर 4 अंक के जो जातक हैं, जातिकाएं हैं, उनके लिए फेवरेबल अंक कौन से रहेंगे, आप हमें बताएं। मौलिका जी, फेवरेबल अंक हमेशा डिटेल एस्ट्रोनोमोलॉजी एनालिसिस के बाद ही निकलते हैं सही ढंग से। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जहाँ पे लोग जनरल बेसिस पे लकी नंबर जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम लकी नंबर्स की या फेवरेबल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस विषय में। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली आप देखेंगे आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नंबर देखेंगे, अपनी लाइफ भी उठा के देखें। बहुत कम होता है ऐसा कि एक ही नंबर है जो सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको चमक रहा है। तो कोई नंबर हो सकता है विवाह के विषय में आपको हेल्प करता हो या पर्टिकुलरली लव मैरिज में, जैसे कि मार्क जकरबर्ग हैं, उनके लिए एक नंबर लव मैरिज को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन सारे संसार में सब लोगों के लिए एक नंबर लव मैरिज करवाएगा ऐसा हरगिज ज़रूरी नहीं है। तो इन जनरल अगर हम बात करें स्वभाव के अनुसार और ओंकार थ्योरी के आधार पर हम देखेंगे तो 4 नंबर वालों के लिए जो बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट उनके लिए जो सपोर्टिव नंबर है, दैट इज़ 8, नंबर 8। 8 का अंक 4 के लिए सपोर्टिव है। उसका कारण है कि दोनों का मूल स्वभाव एक ही है, दोनों काफ़ी हद तक जस्टिफाइड अप्रोच रखते हैं। तो ये 4 नंबर का एट्रीब्यूट और यही 8 नंबर का भी क्या स्वभाव है, वो कहता है कि मैं सही ढंग से सही काम करूंगा चाहे कितना भी समय लग जाए, ठीक है। इसलिए उसको कई बार हम कहते हैं कि स्लो है 8 नंबर, जो सैटर्न से रिलेट करता है एस्ट्रोनोलॉजी में, शनि से रिलेट करता है, उसको स्लो माना जाता है। लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है, स्लो नहीं है, परफेक्शनिस्ट है। तो स्लो होने में और परफेक्शनिस्ट होने में डिफरेंस फर्क है, बिल्कुल। 8 नंबर कहता है रियाज कीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन से सही काम कीजिए, जिस बात का आपने प्रॉमिस किया वो डिलीवर कीजिए। और जो 8 नंबर के लोग परफेक्शन मतलब जो उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो अपने मूल स्वभाव से परे जा रहे हैं, बिल्कुल। तो आप परफेक्शन के चक्कर में स्लो हो जाते हैं और अगर आपको वो बीच में तोड़ दिया जाए उस बात को तो फिर आप तब आप विद्रोही होते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं ये करके ही उठूंगा, आप मेरे को बीच में डिवेट मत करिए। इस सेंस में 4 और 8 आपस में सपोर्टिव हो जाते हैं। नितिन जी, 4 अंक की बात आपने करी, उस शब्द के द्वारा व्यक्ति अपने आप को यूटिलाइज कैसे कर सकता है, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले इन जनरल किसी के भी बर्थ डेट का टोटल 4 आता है या 4 नंबर की वाइब्रेशन के अगर हम विषय में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में कोई भी भगवान के चित्र या धार्मिक कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। और दूसरी बात, 4 नंबर वाले व्यक्ति को हमेशा एक चेक कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में जाने से पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर आपने किसी की बात का बुरा मनाया और आपको लगा कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट हो, उस क्षण पे आपको बुरा लग गया हो, लेकिन वो व्यक्ति अदरवाइज वैसा ना हो, उसने मजाक में कही होगा, तो एक सेकेंड चांस भी दीजिए। इतनी रिजिडिटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और ये पॉसिबल है क्योंकि नंबर 4 के पास वो पॉसिबिलिटी है, वो क्लोज नहीं है। नंबर 4 को जब हम बनाते हैं तो ऊपर से सर खुला हुआ है उसका, क्लोज नहीं है। नंबर 8 क्लोज्ड है, नंबर 8 इजीली अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। नंबर 4 के पास पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, लेकिन वो चेंज इजी नहीं है क्योंकि सारे स्ट्रोक्स हार्श हैं उसके, सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल। तो 4 जो है रिजिड है, 4 जो अपनी बात पे कमिटेड है, पक्का है। लेकिन अगर वो अपने आप को थोड़ा सा चेक कर लें, अगर वो ये कहें कि ठीक है मैं इसको कोशिश करूंगा, इस पैटर्न को देख भर लें केवल कि मेरे अंदर ये ईगो है जो मेरे को रोकती है, जॉब में चल रहे हैं, अचानक किसी बात का बुरा लगा और आपने एकदम से झगड़ा करके रिजाइन कर दिया बिना यह सोचे कि मेरे को एक बेहतर जॉब अवेलेबल है कि नहीं, बिल्कुल, तो आप बेरोजगारों के घर पे बैठते हैं। तो ये जो एलिमेंट है उस समय पे अगर आप कंट्रोल कर गए अपने आप को तो फिर आपकी जीत है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो पैटर्न आपका नलिफाई हो जाएगा। इसके लिए आप मंत्र करते रहें, कुछ और करते रहें, प्रैक्टिकली मैंने रिजल्ट आते नहीं देखे। लेकिन अगर आपने स्वयं को बदलने की तरफ काम करा, अगर आपने सिर्फ ये अपना पैटर्न देख भर लिया और उस मोमेंट पे अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया, आपने रोक लिया, आपने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो 4 नंबर वाले के लिए ये 2 बातें मैं कहूँगा कि ज़रूर ध्यान में रखें कि अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मैंने कहा कि वहाँ पे आपको स्पेशली ग्रीन कलर के शेड्स, रेड या पिंक के शेड्स, किचन, टॉयलेट, इस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पूजा रूम वहाँ पे नहीं होना चाहिए जी। और दूसरी बात, आपको अपने हीट ऑफ द मोमेंट, जिस क्षण पे आपको एकदम बुरा लगा है, गुस्सा है, उस समय पे थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें, उस समय पे एकदम से डिसीजन ना लें, जजमेंटल ना हो, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, फिर डिसाइड कीजिए।
नितिन जी, बहुत खूबसूरत बातें आप हमें बता रहे हैं रंगों के विषय में, और साथ ही साथ ग्रहों की क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं ये भी आपसे ज़रूर जानूंगी। लेकिन जैसा कि लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं, आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर और ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। ग्रहों के संदर्भ में और साथ ही साथ रंगों के विषय में जानना चाहता, 13 या फिर हम 4 अंक की आज बात कर रहे हैं, तो ये जो अंक है इनके लिए कौन से रंग या फिर ग्रहों की स्थितियां किस तरह उत्पन्न की जा सके जिससे जीवन में इनको सफलता मिले, आप हमें बताएं जी। मालिका जी, 4 नंबर जो है वो राहु ग्रह से संबंधित अंक है, और राहु का एक्चुअली जैसे कि बहुत लोग जानते हैं वो छाया ग्रह है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप टेलीस्कोप के माध्यम से राहु को देख नहीं सकते क्योंकि वो ऑर्बिटल सन मून के ऑर्बिटल मोशंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जिस तरह से बर्मुडा ट्रायंगल में हम एक इफेक्ट फील होता है कि वहाँ से आसपास से कोई जाता है और उसको खींच लेता है, जैसा कि ब्लैक होल का एक इफेक्ट होता है, वास्तु में जो लोग एनर्जीज को सेंस कर पाते हैं वो देखेंगे जहाँ पे मंदिरों का प्रभाव होता है या शमशान का प्रभाव होता है, ठीक वही प्रभाव राहु ग्रह का भी होता है और वो अटेंशन को सीक कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। जो व्यक्ति 4 नंबर का है और वो 4 उसके लिए सपोर्टिव और फेवरेबल के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में जहाँ भी जाएंगे वो नेचुरली लोगों की अटेंशन को खींच लेंगे। लोग 4 नंबर की वाइब्रेशन लोगों को अचानक ही आपकी तरफ आकर्षित करेगी, आप ध्यान खींचते हैं दूसरा, इसलिए ग्लैमर वर्ल्ड में 4 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो 4 नंबर अटेंशन सीकिंग होने के कारण एक बहुत उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हाँ, ये ग्रह आप इसको ये नहीं कह सकते कि ग्रहों को चेंज कर सकते हैं, हम ग्रहों को चेंज नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं, ग्रह अपने अपना अपने 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 ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस को हम थोड़ा सा कमती बढ़ती कर सकते हैं। जैसे बारिश आ रही है और आपने छतरी लगाई तो आपने कुछ कंट्रोल कर लिया, आप बारिश को बंद नहीं कर सकते, आप बारिश को चालू नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो व्यक्ति 4 नंबर से संबंधित है, मैंने हम लोगों ने पहले चर्चा की कि किस तरह की सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए। 4 नंबर वाले व्यक्ति का जो मूल उसका कलर है वो कलर है, अपना कलर जो है वो है ग्रेश कलर है उसका, ग्रे। इसके अलावा जो वेरीगेटेड ब्लू होता है, जो चित्तीदार धब्बेदार ब्लू कलर होता है, धब्बे धब्बे सा ऐसा फॉगी जिसको भी कह सकते हैं आप, वो वाला पैटर्न भी नंबर 4 से संबंधित है। नितिन जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, यदि वो जातक जैसे 4 अंक की और हम 13 अंक की बात कर रहे हैं करियर में नहीं उठ पा रहे हैं, करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करें? मौलिका जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि 13 तारीख पे या 4 तारीख पे है और डेट ऑफ बर्थ और उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं सबसे पहली बात ये बोलूँगा जो मैंने पहले कहा कि अपने घर के सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट जो दिशा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा, उसमें चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कोई टॉयलेट या अपने किचन का निर्माण या पूजा रूम इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पर ना हो, यदि है तो उसको हटाना चाहिए आपको। दूसरी बात यह है कि ये जो 4 नंबर है उसमें उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी USP पकड़नी चाहिए। ये एबनॉर्मल क्वालिटीज़ के साथ है, इनके पास असीमित क्षमताएं होती हैं, 4 नंबर वालों के पास बहुत क्षमता होती है, नॉर्मल किसी भी नंबर से ज़्यादा क्षमता होती है इनके पास, और सबसे बड़ी क्षमता ये है कि ये कोई भी और क्षमता को ग्रहण कर सकते हैं, ये किसी भी और क्षमता को ले सकते हैं, पर इनको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उस क्षमता को सीखने का प्रयास करना होगा, और वो क्षमता अगर अपने अंदर ले आते हैं तो फिर ये किसी भी डोमेन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्षमता अपने अंदर डेवलप करें, अपनी ईगो को उनको काटना है, और अगेन अपने घर में दक्षिण पश्चिम में कोई मिरर जो है बड़े साइज का मिरर ना लगाएं, टॉयलेट के पाइप्स ना उतारें, इन बात का खास तौर पे ध्यान रखें, और ईगो को हटाना तो मैंने पहले कहा कि बहुत ज़रूरी बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, एक लेवल होता है, कई चीज़ों को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं और कई बार हमें हार्श डिसीजन लेने होते हैं, तो जहाँ पे मैरिटल कंपैटिबिलिटी इस हद तक है जहाँ पे 4 और डिस्कॉर्ड है, जो बिल्कुल बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, जहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है और 4 नंबर वाला व्यक्ति आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनरूली हो चुके हैं, जहाँ पे बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल कंसिडरेट नहीं है, अगर स्पेशली ऐसे मेरे पास कई फीमेल केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पे वो तकलीफ में है, मैं कहूँगा कि एक बड़ा डिसीजन लीजिए, गेट सेपरेटेड। ये कहते हुए मुझे बुरा लगता है लेकिन इसका और कोई हल नहीं है कि आप अलग होके अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी शुरू करें।
लेकिन जहाँ पर ये सिचुएशन इस हद तक नहीं बिगड़ी है, जहाँ पर गुंजाइश है, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों के नंबर्स क्या हैं, किस तरह के हैं, वहाँ पर डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वहाँ पर आप लोग अपने आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हैं, या अपने अपने मोबाइल्स में आपने वो एक दूसरे का नाम किस तरह से सेव किया है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और अगेन, आपके स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह के किए हैं, आपकी मैरिटल फोटोग्राफ आपने कहाँ लगाई, एल्बम कहाँ रखी हैं, और किस किस्म के इंटीरियर्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं अपने घर में, ये चीज़ों को अगर हम थोड़े थोड़े बदलाव करें, छोटे छोटे चेंजेस करें, तो बड़ा डिफरेंस है। इसमें मेजर मैंने पहले बताया कि साउथ वेस्ट से आपको पिंक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरह की चीज़ें, मान लीजिए वहाँ पे आपने पौधे रखे हुए हैं तो वो आप हटाइए, वहाँ से तुरंत हटाइए। वहाँ पर अगर आपने किचन बनाया हुआ है, या आपने दीवारों पे पिंक कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर, इस तरह के कोई शेड्स हैं, इंटीरियर्स हैं, पेंटिंग कोई बड़ी सारी टांगी है इस कलर की, तो आपको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए, उसकी जगह पे ऑफ वाइट कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये चेंज करते ही रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस उनको इमिडिएटली फील हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन खास ध्यान हमें स्वयं ही रखना है यदि वाकई अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। नितिन जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन जैसा कि लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर भी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, नमस्कार।